What's up, governors? Mighty governor event चल रहा है और आज है killing event day. और हमने अभी एक AVG के एक बंदे में rally किया है, लेकिन यहाँ पे रास्ते में देखिए आप लोग, हम पे बहुत सारा attack हो रहा है. सभी attack AVG के तरफ से हो रहा है. AVG का दूसरे बंदा जो है वो लोग मिलके हमको मतलब हमारे rally में attack कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा rally यहाँ पे देखिए कितनी strong ही है. स्ट्रॉन्ग मतलब इसके हेल्थ आधा कम गया, आधा हेल्थ आधे रास्ते में ही गायब हो गया. हम जिस पे अटैक कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे है, सामने में दिखा देता हूँ, ये विजी पीछे से वॉरियर, यहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे इसने अपना जो आर्मी है ये देखिए, ये आर्मी बाहर ही भेज दिया, बाहर भेज के, ये भी देखिए बाहर भेज के हमें बीच रास्ते में ही अटैक कर दिया. मैंने इसको स्काउट किया था, जब स्काउट किया था इसमें देखिए इसके पास, इसके अंदर एक भी ट्रूप्स नहीं है, मतलब सारा ट्रूप्स को इसने बाहर भेज दिया. बाहर भेज के हमें मतलब रास्ते में ही हमको ख़त्म करने की ट्राई कर रहा है. एक्चुअली ये हम लोग रैली इसलिए नहीं कर रहे कि इसके जो सिटी है इसके सिटी को डिस्ट्रॉय करें, लेकिन इसलिए कर रहे ताकि हमें थोड़ा सा किल मिल जाए, क्योंकि ये माइटी गवर्नर इवेंट में ये किलिंग इवेंट चल रहा था, इसलिए हमें थोड़ा किल चाहिए था, इसलिए हमने ये रैली किया. तो हमें ये देखिए ये रैली जो है हमने एक्चुअली हार नहीं गए, हम लोग कैंसिल कर दिया. ये हारते तो रूटेड लेग के हम लोग भेज देते, लेकिन हम लोग जो हमारा लीडर था उसने रैली को स्टार्ट किया था, अब उसने इस रैली को कैंसिल कर दिया. अगर कैंसिल नहीं करता तो हम आधे आधे में नहीं, सामने जाते जाते हमारा जो आर्मी है सब लोग हार जाते. इसलिए ये अच्छी चॉइस थी कि हमने अपना आर्मी को वापस बुला लिया. अब देखते हैं ये वार रिपोर्ट को देखते हैं हमको. देखिए चार आर्मी ने अटैक किया था, चार आर्मी में दो है बीजेजे वॉरियर और दो है डेडी जैक्स. इन दोनों ने मिलकर अपना दो दो आर्मी मिलकर हम लोगों को अटैक किया. ये देखिए पहला बैटल लॉग, ये बीजेजे वॉरियर का फर्स्ट आर्मी के साथ हमारा 14,000 सिवियरली वाउंडेड हुआ और उसका 20,000 नेक्स्ट में हुआ, हमारा 13,000 वाउंडेड उसका 5,000, उसके बाद हुआ हमारा 9,000 उसका 3,000 और फिर 4,000 1,000 ओके 5,000 1,000 1,485. मतलब जितना बैटल आगे बढ़ता गया हमारा ट्रूप्स लूज होता गया और अटैक कई बार हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः टाइम्स अटैक हुआ, चार टाइम नहीं छः बार अटैक किया गया हम लोगों को. और ये देखिए ये लास्ट में फिर दो अटैक हुआ. आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये टाइमिंग दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइमिंग दिखा रहा है. तो ये जो फर्स्ट चार अटैक था ये जल्दी जल्दी हुआ, मतलब हमारे पहुँचने मतलब एक साथ हुआ था ये चार अटैक, और बाकी दो अटैक देर से हुआ था. ओके तो हमारा आर्मी तो देखते कहाँ तक पहुँचा, बैक होके जा रहा है. 27 मिनट लगेगा. एक्चुअली हमने अटैक जब किया था, रैली जो स्टार्ट किया था, तब क्या हुआ था, हमारे सामने ही था वो जो बीजेजे वॉरियर, वो हमारे सामने ही था, लेकिन रैली स्टार्ट करने के बाद वो टेलीपोर्ट करके यहाँ पे आ गए, इतना दूर आ गए. ये करीब कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा नहीं है, 200 किलोमीटर के करीब आ गए. कहाँ पे गया वो, यहीं पे कहीं आसपास था. ओके ये है, तो ये देखिए 172 किलोमीटर दूर है ये, तो इतना दूर उसने टेलीपोर्ट करके आ गया और हमें इतना दूर आना पड़ा. तो ये देखिए ये एक आर्मी हमारा रूटेड होके जा रहा है, इसने शायद बीच रास्ते में किसी के साथ फाइट किया था इसीलिए ये हार गया और वापस जा रहा है. लेकिन मेरा आर्मी जो है वो काफ़ी आगे है, क्योंकि मैंने ये मेरा जो लोहार है इसका आपको स्किल दिखा देते हैं. ओके ये लोहार टैलेंट्स, इसका देखिए ये मैंने मार्च स्पीड को अपग्रेड किया, इसका जो पीस कीपिंग में ये जो मार्स स्पीड है इसको मैंने अपग्रेड किया, इसलिए इसका मार्स स्पीड थोड़ा सा
ज़्यादा है, इसलिए दूसरा वो आर्मी हमें इतनी ईजी से नहीं पकड़ पा रहे, और बाकी सबको ये देखिए पकड़ रहे। और एक बात ये है, अगर आपको कोई आर्मी डिफीट कर देता है, आपको रोटेट कर देता है, तो आपका जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं हम लोग, हो सकता है ये 19 लेवल का बारबियन, इसको तो हम अटैक नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे, फिर भी मैं आपके लिए ट्राई करके दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे 27 मिनट्स चाहिए था वापस जाने के लिए, लेकिन इसको अटैक करने के बाद मैं ये डेफिनेटली हारूँगा। मेरा लेवल 19 को हराने के लिए, लेवल 19 बारबियन को हराने के लिए 82,000 लेवल 3 का यूनिट चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी 22,000 यूनिट्स है सिर्फ, तो ये तो डेफिनेटली हारेगा। और हारते ही मेरा यूनिट जो लोहार है बहुत ज़्यादा स्पीड से वापस अपने बेस पे आ जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको टाइम बचाना है, तो आपको अगर अपना कमांडर बहुत जल्दी चाहिए तो आप किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर को या स्ट्रॉन्ग बारबेरियन को अटैक कर दीजिए, करके खुद पर खुद हार जाइए, तो वो बहुत स्पीड से वापस आएगा। ये देखिए अभी मैं इसको दिखाता हूँ कितना टाइम लगेगा, ये देखिए यहाँ पे टाइम नहीं दिखा रहा है, रुकिए टाइम दिखाता है। देखिए 12 मिनट्स, जो 27 मिनट्स था वो अभी कितना टाइम पास हुआ, 2 मिनट, तो 25 मिनट्स को इसने हाफ कर दिया, मतलब स्पीड डबल स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, तो 12 मिनट्स में मेरे घर पे पहुंच जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग ये गेम बहुत दिनों से खेल रहे तो वार्स तो मतलब किए होंगे बहुत सारे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कैसा यूनिट्स यूज़ करते हो अपने वार पे, तो उसके बारे में हमें बताइए कमेंट्स पे बताइए। और आपको कौन सा कमांडर सबसे बेस्ट लगता है और कौन सा यूनिट आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका टैलेंट या फिर दूसरा अगर कोई टिप्स हो तो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ नहीं, ये थोड़ा सा रिली था, ये छोटा सा, तो इसी के बारे में था। ओके, हमारा तो रैली फेल हो गया, इसलिए वापस आ रहा है। जो भी हो, हम लोग फिर से किसी और को अटैक करेंगे, अटैक करके अपना जो माइटीएस्ट गवर्नर इवेंट है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इवेंट में मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ इतने ज़्यादा, देखिए मेरा रैंक जो है 279 पे है, बहुत ही पीछे है। क्यों ट्राई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अभी ये देखिए मेरा पावर कितना है अभी 1.4 मिलियन, और यहाँ पे जो दूसरे बंदे हैं वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अलग अलग मैं रैंकिंग दिखा देता हूँ। इसमें जो इंडिविजुअल पावर हाईएस्ट जो है उसका पावर देखिए 20 मिलियन पावर है, तो उसके साथ अगर मैं कम्पीट करूँगा उनके साथ, ये देखिए और भी दिखा देते हैं, सिर्फ 20 मिलियन तो वो अकेला है। देखिए टॉप 10 में जितने भी है वो लोग 6 मिलियन, टॉप 10 में लोएस्ट है 6 मिलियन, और अगर टॉप 100 में देखे तो भी टॉप 50 में सॉरी 100 में देख के फायदा नहीं, देखिए टॉप 50 में 3 मिलियन से भी ज़्यादा, 3.56 मिलियन से भी ज़्यादा है। अभी इसको हमने अटैक किया था, ओके ये नंबर 50 है। जो भी हो टॉप 100 में आपका 2 मिलियन से ऊपर है सबका, तो ऐसे कंपटीशन में अगर मैं अभी अटैक करता हूँ, मतलब इन कंपटीशन के लिए मल्टीएस्ट जनरल के लिए अगर कॉम्पीट करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली नहीं मिलेगा, इतना इजीली तो नहीं मिलेगा, बहुत ही हार्ड कोशिश करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारा मतलब पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रियली पैसा बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा अगर मैं इस कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो, मतलब इस स्टेज में। लेकिन मैं इस स्टेज में इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके क्या कर रहा हूँ मैं अपना जो स्पीडअप से मेरा जो रिसोर्स है वो ट्राई कर रहा हूँ उनको सेव करने के लिए, ताकि मैं जब मेरा पावर 5 मिलियन या फिर 10 मिलियन के आसपास पहुँचे तब मैं उनके साथ कॉम्पीट करूँगा, तब मैं उस स्टेज में होऊँगा तो तब मैं कॉम्पीट करूँगा, और तब थोड़ा खर्च करने से भी मेरा परहेज नहीं होगा। ओके, तो आप भी अगर माइटीएस्ट जनरल में, सॉरी नॉट जनरल, द माइटीएस्ट गवर्नर में
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो या तो आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कीजिए या फिर वेट कीजिए ताकि राइट टाइम आए, क्योंकि आपके गेम के बिगनिंग स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में तो आप इसमें कॉम्पीट करके इतना फ़ायदा नहीं है। आप जितना नॉर्मली कॉम्पीट कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीडअप्स को यूज़ मत कीजिए और ज़्यादा आरएसएस को भी इतना ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। हो सकता है जितना ज़्यादा हो सकता है उनको बचाइए, बचा के किसी फ्यूचर में, मतलब जब आप कम से कम आपका सीएच 20+ 21 या फिर उससे ऊपर हो तभी ट्राई कीजिए। ये मतलब मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हमें ज़रूर बताइए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं राइज ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ और इसके ऊपर टिप्स, गाइड्स, कमांडर गाइड्स, इन सब के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मेरे वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सकता है तो बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।